हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। कई लोगों के सवाल है कि स्टॉक मार्केट क्या है, किस स्टॉक मार्केट में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें। अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज हम इस वीडियो में आपको वही बताएंगे कि टॉप 3 स्टॉक्स कौन से हैं जिसको आप आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। हमारे लिस्ट में टॉप 3 पोजीशन पे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी एक बहुत ही जानी मानी कंपनी है। इसको 17 अक्टूबर 1933 को बनाया गया था। इसकी अभी की मार्केट प्राइस है 575.99 करोड़। पिछले 5 सालों में इसकी मार्केट वैल्यू कुछ इस तरह से है। 15 जुलाई 2016 को 941.50 रुपीज़ थी और 9 जुलाई 2021 को 245.45 है। 5 सालों में इसकी वैल्यू ऊपर नीचे हुई है। आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि वैल्यूज कैसे कम हुई और ज़्यादा हुई। HUL एक बेस्ट ब्रीड अर्निंग ग्रोथ में और ये लॉन्ग टर्म भी है, और HDFC सिक्योरिटीज़ भी इस बात को मानते हैं। ये एक अच्छा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन सावधानी बरते। हम लोग अपनी लिस्ट की सेकेंड पोजिशन का स्टॉक पे चलते हैं। वो स्टॉक है HDFC बैंक लिमिटेड। HDFC का पूरा नाम है द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। RBI ने इसको इन प्रिंसिपल का अप्रूवल दिया है। इसकी मार्केट कैपेसिटी है 830.113 करोड़ और इसकी मार्केट वैल्यू पिछले 5 सालों से कुछ इस तरह की है। 15 जुलाई 2016 को 611.85 रुपीज़ थी और 9 जुलाई 2021 को 1502 है। पिछले 5 सालों में इसकी भी वैल्यूज ऊपर नीचे हुई है। इसे भी मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ, आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिए। और आपको बता दूँ कि ये भी एक अच्छा स्टॉक है जिसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको इसमें भी सावधानी बरतनी होगी। अब है सबसे ज़रूरी हिस्सा, इसमें मैं आप लोगों को एक सेकेंड भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किया तो आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे। अब हम बात करेंगे हमारे लिस्ट के नंबर 1 स्टॉक्स, वो है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री को 8 मई 1973 में बनाया गया था। इसके अभी के CEO है मुकेश अंबानी। इसकी मार्केट कैपेसिटी है 1.374.266 करोड़ और इसकी मार्केट वैल्यू पिछले 5 सालों में से कुछ इस तरह से है। 15 जुलाई 2016 को 501.35 था और 9 जुलाई 2021 में 2071.20 है। अभी ये कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। मेरे हिसाब से ये कंपनी स्टॉक्स इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट है। आपकी राय क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक और ज़रूरी बात, अगर आपको इन्वेस्ट करना है स्टॉक्स में तो प्लीज़ उसके बारे में ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की है। इसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और बहुत सारा लॉस भी हो सकता है, तो सावधानी बरतें। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों को भी बता देना कि ये सब्सक्राइब कर दे।